चलिए आज बनाते हैं पाइनएप्पल की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बनाइएगा ज़रूर। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर पीसेस में कट कर लिया। कट करने के बाद एक पैन में डाला पानी, पानी हम हाफ ग्लास ही लेंगे। उसमें डाली 5 स्पून शुगर, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। थोड़ा मेल्ट होने दिया, 2 से 3 मिनट बॉयल करेंगे तो एक हल्की सी चाशनी टाइप की बन जाएगी। फिर इसमें ये कटे हुए पाइनएप्पल इसमें काट के डाल देंगे। थोड़े से पाइनएप्पल के टुकड़े हम मिक्सी जार में पीस लेंगे और इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। अब प्यूरी को भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इस चाशनी के अंदर चलाएंगे। लगभग 5 मिनट ऐसा करेंगे और फिर से छान लेंगे। इसके पानी को आप वैसे भी पी सकते हैं, हमने थोड़ा सा पानी इस दही में डाल के मिक्स किया है ताकि दही में थोड़ी सी मिठास आ जाए, ये ऑप्शनल है। आप सोच रहे होंगे पाइनएप्पल को हमने चाशनी में क्यों पकाया, वो इसलिए पकाया ताकि वो दही में जाए तो दही को खट्टा ना करे, कड़वापन आ जाता है अगर आप ऐसे डालेंगे। अब जो पके हुए स्लाइसेस थे मीठे वाले उनको हमने चॉप कर लिया छोटा छोटा, और प्यूरी जो थी वो भी हमने दही में डाल दी है, और स्लाइसेस को भी अब हम दही में डाल देंगे। लीजिए बनके तैयार हो गया है आपका रायता। इसमें डालिए थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर और हो सके तो सूखा हुआ पुदीना पाउडर, और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, वैसे भी खा सकते हैं और फास्ट में भी बनाइएगा और खाइएगा। चलिए अब आते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी पर। ये है साबूदाना। साबूदाना तो लोग अक्सर ही फास्ट में खाते हैं, आज बनाते हैं साबूदाने का वड़ा। इसके लिए हमने 4 आलू लिए हैं, मिर्ची चॉप ली है 2-3, आलू को हमने घिस लिया है। आप तो चाहे तो हाथ से मैश भी कर सकते हैं। साबूदाना जो हमने सोख कर रखा था 2-3 घंटे के लिए, ये काफ़ी फूल चुका है, इसको पानी निकाल के हमने यूज़ किया है। ये रोस्टेड पीनट से इनके छिलके निकाल लिए हैं और इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है दरदरा सा, और अब हम इसमें डाल देंगे मिर्ची, डाल देंगे नमक, डाल देंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और 1 लेमन स्क्वैश करके डाल देंगे, 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, लाल मिर्च डाल सकते हैं ये ऑप्शनल है, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हाथ में ऑयल लगाएंगे और इसकी एक थोड़ी मोटी सी टिक्की बना लेंगे। अब इसकी एक टिप ये है कि इसको जब भी बनाएं तो साइड से थोड़ा अच्छा सा स्मूथ सा कर लें, इसके साइड से ब्रेक नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये ऑयल में जाते ही फट जाएगी और सारे एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर भर जाएगा, तो साइड से थोड़ा मोटी बनाइएगा। हम इसे रिफाइंड ऑयल में फ्राई करेंगे, आप चाहे तो देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं फास्ट में तो उसमें बनाइएगा, अदरवाइज घी में बनाइएगा। ऑयल गर्म हो गया है, उसमें हमने सब डाल दिए। जब तक ये रोस्ट हो फ्राई होते हैं तब तक हम बनाते हैं अपनी चटनी। चटनी हमने डाला 1/2 कटोरी मूँगफली रोस्टेड है छिलका निकाला हुआ, कोरिएंडर लीव्स, 2 ग्रीन चिली, नमक, और इसमें डाला 1 चम्मच ज़ीरा, और उसके बाद डाला इसमें 4 चम्मच लगभग दही। दही का पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दही डालेंगे और मिक्सी में चला लेंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, और इस वड़े के साथ खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बनाते हैं फिर इसको मिक्सी ग्राइंडर में। लीजिए चटनी भी हमारी बनके तैयार हो गई। अब देखते हैं वड़े, हाँ वड़े भी बन रहे हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे और थोड़ी देर डालने के बाद नहीं छुएंगे ताकि ये थोड़ा अच्छे से ऊपर तक ऑयल आ जाए। जब थोड़े से गोल्डन गोल्डन हो जाएंगे लगेंगे तब इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए हमारा बनके रेडी हो गया है। तो इस महाशिवरात्रि पे ये रेसिपी बनाइएगा, चाहे फास्ट में, चाहे स्नैक्स में, चाहे डिनर में, चाहे लंच में बनाइएगा, और अपने महाशिवरात्रि को और भी अच्छा बनाइएगा। ये देखिए बहुत कुरकुरा बना है ये, आप देखिए। अब आपको खा के भी दिखाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है इस चटनी के साथ ये। आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और रेड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।